हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइटॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस देखी हैं, चाहे वो सीमेंस के रिलेटेड थी, माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड थी, साइबर आर्क की तरफ से थी, जूनिपर की तरफ से थी, फोर्टीनेट की तरफ से थी, या और भी ज़र्टो, सिस्को, काफ़ी सारी हमने सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी दिख चुके हैं, उसको हम अचीव कर सकते हैं। या हमने यहाँ पे एवियटिक्स की तरफ से देखी थी, जो कि एक सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर की सर्टिफिकेशन थी, जो कि $895 की थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको दी जा रही है बिफोर 1st of October। तो स्टिल अभी भी आपके पास चांस है कि वो आप जाके ले सकते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं आपको उसके अंदर ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि एक HR रिक्रूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप किसी जॉब के लिए या कोई कैंडिडेट को सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, आप कैसे एक परफेक्ट एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। सो ये मोस्टली होगा कि जो अपना करियर एज अ HR की तरफ बना रहे हैं, जो कि MBA इन HR कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं, MBCOM कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी एडवांटेज होने वाली है कि अगर एक MBA इन HR है या एक BTech के बाद अगर वो MBA कर रहा है, उसके बाद वो HR की फील्ड में जा रहा है, उसके बाद अगर उसको कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, बैक एंड डेवलपर चाहिए, डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं, एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट अगर उसको कोई चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स होती हैं और उन जॉब ओपनिंग्स में कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिकेशन उसको डालनी है, एक परफेक्ट जॉब पोस्ट कैसे बनाई जाती है, और उसकी सर्टिफिकेशन अगर उसको लेनी हो तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बात करें, यहाँ पे iOS की मोबाइल एप्लीकेशन होगी, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन होगी, रिएक्ट नेटिव के थ्रू अगर बनानी है, आईनिक के थ्रू, फोन गैप, जैमरिन, ओपन जीएल, जिसके अंदर हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन बनती हैं, और ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो अभी जिनको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें फ्रंट एंड डेवलपर के रिलेटेड चीज़ें दिख जाएंगी। तो फ्रंट एंड डेवलपर को ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर मैं जस्ट वैसी माउस को लेके चलूँ तो वहाँ पे आपको दिखा देगा जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, रिएक्ट जेएस आनी चाहिए, एंगुलर, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, यूआई यूएक्स उसको अच्छे से आना चाहिए। और बैकएंड की अगर बात करेंगे तो मोस्टली आज के टाइम पे पाइथन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में है, जेंगो जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स बना सकते हो, काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है, आर लैंग्वेज है, जावा है, गोलैंग है, रूबी ऑन रेल्स है, रेस्ट एपीआई है, नोड जेएस है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपना बैकएंड जो है वो अब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। डेवऑप्स के अंदर आप चले जाओगे तो गूगल क्लाउड आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आ जाएगा, अमेजोन AWS आ जाएगा, डॉकर है, क्यूबरनेट्स है, क्लाउड आर्किटेक्ट है, जिनकिंस है, शेफ है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर आप देखा जाए तो वो माना जाता है। और कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा साइंटिस्ट है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, क्रिप्टोकरेंसी है, ब्लॉकचेन है, एनालिटिक्स की फील्ड की अगर बात करें जो कि मेरी फेवरेट फील्ड है, आई एम डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, डेटा मॉडलिंग, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो कि आपको एज अ डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट जो है वो हायर करती हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर एक HR को एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए, उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसके लिए इसका एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा certified.hirist.com, जिसके अंदर आपको हायरिस्ट की तरफ से टेक रिक्रूटर सर्टिफिकेशन मिल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको इसका जो कंटेंट है, पर्सनली मुझे इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ स्टार्ट योर फ्री कोर्स, तो यहाँ पे आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको डायरेक्टली टीचेबल के ऊपर ले जाएगा। अगर आपका इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी आप ईमेल आईडी रखना चाहते हैं और जो भी आप अपना पासवर्ड जो है वो रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आई एग्री टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रमोशनल ईमेल्स, उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पे एंटर करके साइन अप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट आपके पास पेज ओपन हो जाएगा और आप सक्सेसफुली जो है वो एनरोल कर जाएंगे। उसके बाद जस्ट आपको जाना है गो टू कोर्स करिकुलम। कोर्स करिकुलम में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको ये दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 0% अभी ये कंप्लीट है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जो कि इसकी सर्टिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पे इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं, जस्ट स्टार्टिंग में ये बताएगा कि इंट्रोडक्शन, द पर्पस ऑफ दिस कोर्स क्या है, और एक टेक्निकल रिक्रूटर सर्टिफिकेशन के लिए जो कि हमें जो रिक्रूटमेंट करनी है, हमें वो टेक्निकल पर्सन चाहिए, एक IT रिलेटेड पर्सन चाहिए जो कि टेक से
उसको एक एक चीज़ पता हो टेक के बारे में। उसके बाद एक एचआर रिक्रूटर को क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, टाइटल कैसे लिखना है। उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसको पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। डेवलप अ सॉलिड रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट को जब हायर किया जाता है उसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो आप यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा। क्रिएट अ जॉब लिस्टिंग, जॉब लिस्टिंग अगर आप क्रिएट करते हो तो कैसे आप जॉब लिस्टिंग बनाओगे, ताकि आपके पास वही जॉब लिस्टिंग अगर कि एक और एचआर क्रिएट कर रही है और एक दूसरी एचआर अगर वो एक जॉब लिस्टिंग क्रिएट कर रही है, देन एक के पास अगर 50 कैंडिडेट आ रहे हैं, एक के पास 250 कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वो 250 को हमने 250 पे कैसे लेके आना है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और लास्ट आपको एक टेस्ट देना है जिसके अंदर फाइनल असेसमेंट जो है उसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद वापस मैं यहाँ पे आता हूँ कि कैसे आप इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और वीडियो मार्केटिंग मॉड्यूल इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, और ये पूरा कंप्लीट करने के बाद वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 30 आउट ऑफ द 30 क्वेश्चन है वो मैंने सारे के सारे करेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, और 100% जो है वो मेरा क्विज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, hirist.com करण अरोड़ा इज़ हेयर बाय अवॉर्डेड दिस सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द hirist.com टेक रिक्रूटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन 6 सितंबर 2020। राइट, तो ये आपका सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका सर्टिफिकेट सेव हो जाएगा। सो ये सारा प्रोसेस है। यहाँ पे आप कभी भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और इसका जो कंटेंट है मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेशन आपको हेल्प कर सकती है अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी आईटी कंपनी में एज अ एचआर की तरफ से। तो आपको वो सारे प्रोसेस पहले से पता होंगे कि कैसे कैसे एक कंपनी में एचआर की क्या जो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको इन केस पता चल जाएंगी। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो सच में पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि अपना करियर एचआर के फील्ड में बनाना चाहते हैं। उसके बाद इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उसके अंदर आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।